और जिया भी यहाँ तैयार हो गई है। माँ ने ऐसी बात कह दी है कि जिया अब निकल रही है अमेरिके की तरफ। मनमानी छोड़, गार्जियन के अंदर हो, हमेशा जो अच्छा बात कहते उसको सुनो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। ऊपर 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 चला दे। तो जी अनबॉक्स कर लिया है हमने, और जब अनबॉक्स किया तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना है। वो लग रहा है टेप या कोई स्टिकर चिपका हुआ था जिसको उखाड़ दिया गया है, और कुछ डैमेज तो नहीं है, बस वो स्टिकर का जो वो गम होता है वही है इसमें। बाकी यहाँ पर कुर्सी है, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी डिफेक्ट तो हमें नहीं दिखा अभी तक। देखिए चीज़ चेक कर लिया हमने, अब इसको ऐसा करते असेंबल करते हैं। जिया का जन्मदिन तो मन गया, उसको जिया को अपना गिफ्ट भी मिल गया, और जन्मदिन के अवसर पर जो भी कुछ स्पेशल चीज करना था वह सब कुछ भी हो गया। तो जिया का जन्मदिन तो था 20 सितंबर को, मेरा जन्मदिन ही आने वाला है। अब 1 अक्टूबर को जन्मदिन है, लगभग कितने 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो उस समय भी देखते हैं कुछ ना कुछ तो स्पेशल जरूर किया जाएगा। और यह कंसेप्ट मुझे इस बार सही में अच्छा लगा कि जन्मदिन खुद तो मनाते हैं ही, और साथ में जो बेघर लोग थे, जो भी बेसहारा लोग थे, उनके साथ जो हमने जन्मदिन की खुशी बांटी, मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा। और कोशिश करेंगे कि हर जन्मदिन में ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग करते रहे। बाकी जिया यहाँ पर लेटी हुई है, अपना रील का कुछ जो है वीडियो सब एडिट कर रही है, और जिया जो है व्लॉगिंग भी नहीं कर रही है पिछले 3 दिनों से, इसके चैनल पर कोई वीडियो भी नहीं आया है। क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा? मैं ठीक नहीं लगता, तो तबीयत जो है जिया का सही नहीं था, तो इस वजह से नहीं आ पा रहा था। लेकिन कल व्लॉग डालना है, बहुत लोग का कमेंट भी आ रहा था, पूछ भी रहे थे उस चैनल पर क्यों नहीं वीडियो आ रहा है, कि मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे थे और मेरा मन भी नहीं था कुछ करे। चलो कोई बात नहीं, तो कल जाएगा, कोशिश नहीं आ जाएगा, हम तुमको पुश कर करके चलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी बज रहे हैं जी 10:30, और अभी चल रहे हैं पापा को जाकर के कोर्ट छोड़ देते हैं, और कुछ फल भी लाना है तो वहाँ से लेते आएंगे। कैसे केला कैसे हुई? ये तो एक दर्जन। चलिए जी, केला तो ले लिया, और इधर रोड पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है वार्ड कमिश्नर का जो है नॉमिनेशन चल रहा है। आगे जी पापा को कोर्ट छोड़ करके और फल जो है लेकर के आ गए हैं, और रास्ते में जो दीदी भीड़ था, पूछो मत, तो नॉमिनेशन हो गया था, तो पूजा नगर निगम का चुनाव सब होना है, पूरा रोड जाम। 10 अक्टूबर को चुनाव इस बार, लेकिन एक चीज अच्छा किया है मेयर और डिप्टी मेयर का, डायरेक्ट पब्लिक चुनाव करेगा, भ्रष्टाचार, वरना होटल का खर्चा सब लगता था, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन डायरेक्ट जनता को अधिकार मिला है, इसका जैसा व्यक्तित्व होगा उसको वोट मिलेगा। बिल्कुल, तो तुमको 3-3 वोट करना पड़ेगा, मेयर का, डिप्टी मेयर का, वार्ड कमिश्नर का, तो 3 बार वोटिंग होगा, एक ही दिन 3 वोटिंग होगा, एक ही टोटल। ऐसा एक्सपीरियंस जो है पहली बार होगा? नहीं, हम लोग जब 5-6 करते थे लोकसभा विधानसभा का एक ही बार चुनाव एक साथ हो जाता था। चलो, हम तो नहीं किए ऐसा एक्सपीरियंस, तुम क्या करे, हम 5 क्लास पढ़ते थे। तो हमारा नहाना हो गया जी, और खाना वहाँ पर लग चुका है, तो वहाँ पर जाकर के खाना खाते हैं। और अभी जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में जो सेल चल रहा है, इसको लेकर के पूरी जनता जो है पूरी पागल है। मेरे जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, जिनको भी मालूम है कि इनके पास यह कंपनी का क्रेडिट कार्ड है या है, जितना भी संपर्क लगा सकते हैं सब लग रहा है। और मेरा एक दोस्त है, वह भी फोन लिया है, कल एक और दोस्त था उसका भी कॉल आया था उसको लेकर के। हमें अभी कुछ लेना है नहीं, हमें भी कोई जरूरत होती है तो इस समय हम ले लेते तो थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाता। और कई बार देखे हैं कि कुछ चीजें तो डिस्काउंट में मिल जाती है, और कई बार मालूम चलता है कि जब दिवाली का सेल आता है फिर वही सेम प्राइस रहता है। तो यहाँ अगर मिस हो जाए तो कोई बात नहीं जी, अमेजोन का जो वो दिवाली सेल आएगा उसमें देखा जाएगा कुछ। तो जिया खाना भी खा रही है, फोन का मॉडल भी देख रही है, अंजलि बुआ के लिए। हो गया जी हमारा खाना, और खाने के बाद जो है वॉशिंग मशीन में जितना भी कपड़ा था सबको निकाली है बाल्टी में, और इसको ऊपर जा करके पहुंचा देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं ऊंचा पे।
ठीक है, बाबू का दूध भी आ गया, पिला देते हैं दूध, उसके बाद जाते हैं थोड़ा एक घंटा नींद मारते, फिर उठते हैं, फिर लगेंगे। One hour later. यहाँ बेटों को देख सकते हैं बहुत गंदा गंदा काम कर रही है। क्या कर रहा है राजा? उंगली उंगली कर रहा है। ए बाप रे, पूरा पाउडर लगा के आया था। और ये देख लीजिए भी क्या हाल, को बहुत गर्मी लग रही थी तो फर्ज को पोछ दिए। क्या सब देख लिया? अब कोई बात नहीं, सब देख लिया था बदमाशी को, देख लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, आप कोई मत दीजिएगा, सब आँख बंद करके रखिए, बदमाश नहीं है, है ना? हाँ देख ली, सब बदमाश नहीं, बदमाश लड़का, बदमाश दतमन कर रहा है, ब्लच कर रहा है। कहाँ से सीखे हो ये? कहाँ से सीखे हो चिल्लाना? कहाँ से सीखे हो? अब मोबाइल देख लिया, ये चिल्लाए। कहाँ से सीखे हो चिल्लाना? और यहाँ बन रहा है जी आटे का रोटी। आटे का ही रोटी बनता है? हाँ तो पता है, तो इसलिए हम ये बता रहे हैं, इसको नहीं पता हो पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, आपको छोड़ के सबको पता है। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, तो 5:30 बजे ये रोटी बनाने की क्या जरूरत है? सर कोई आने वाले हैं लेने के लिए रोटी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो RSS से कुछ लोग आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि आप जो है रोटी बना करके रखिएगा, शाम में आकर के ले जाएंगे। हाँ तो दीदी आएगी रात में रोटी बनाने के लिए। अच्छा है कि पहले से बना लेगी, उनको मिल जाएगा। और हम लोग को चलना भी है मार्केट, और एक जगह और काम है, कंचन दीदी के यहाँ जाना है, मम्मी की भाभी आई हुई है वहाँ पर। अच्छा आई हुई थी यहाँ पे भी, अभी लाई है, वहाँ भी बुलावा आया है, तो जाएंगे मिलने। तो यहाँ मोलू आया हुआ है, तो अपने मामा के साथ ये खेल रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, मस्ती कर रहा है। हम गए तो पूरा रोने लगा कि अब घूमने जाएंगे, ऐसे पकड़ी भी तो भाग रहा था मेरे, उठा के इसको ले आए। वाह, इसका नाम है गुल्लू गुल्लू, इसको पसंद है झुल्लू झुल्लू झुल्लू। The next day. अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और हमें जो है यहाँ से 6 बजे ही सुबह सुबह निकल जाना था जिया के घर की तरफ, लेकिन हम लोग जो है नहीं निकल पाए, क्योंकि बाबू जो है रात में जग गया, और फिर लगभग 1-2 घंटा जो है उसको सुलाने में लग गया, तो हमारी नींद भी नहीं खुली और जल्दी उठ भी नहीं पाए। तो अब ऐसा करते हैं, अब यहाँ से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, सीधा जाते हैं अपने सारे साहब के यहाँ, वहाँ पर गाड़ी पार्क में लगी हुई है, गाड़ी लेकर के आते हैं। 20 minutes later. जी गाड़ी लेते आए हैं, गाड़ी को देख सकते हैं वहाँ पर लगी हुई है, और हमारा नहाना हो चुका है, तैयार हो चुके हैं, बस अब निकलने की देरी है। और जिया भी यहाँ तैयार हो गई है, माँ ने ऐसी बात कह दी है कि जिया अब निकल रही है मैके की तरफ। क्या कही थी माँ? जिया मम्मी आई है ना अभी देवघर से, तो फिर बउआ के लिए ही मन्नत था देवघर पैदल जाने का मम्मी का। अच्छा, तो उसी के लिए बोली जाकर के प्रसाद ले आओ, जब मम्मी बुला रही है तो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मम्मी पापा सभी लोग रहेंगे दुर्गा पूजा में वहाँ पर, नानी गाँव जा रहे हैं तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, और हम लोग को यहाँ रहना पड़ेगा, कि घर को अकेला छोड़ नहीं सकते क्योंकि आजकल इतनी चोरी होती है, तो हमको और जिया को यही रहना पड़ेगा, और फिर दुर्गा पूजा में जिया के घर भी नहीं जा पाएंगे, ना ही जिया जा पाएगी, इस वजह से अभी यही टाइम है कि जा करके फिर आ जाए, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं जी। ठीक है दीदी, तब निकलते हैं हम लोग, और आज ही आ जाएंगे शाम में। आज नहीं आना, कल आना है, आराम करके रात में, बुआ तो छोटा है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, मनमानी छोड़, गार्जियन के अंदर हो हमेशा, जो अच्छा बात कहते उसको सुनो। अच्छा चलो ठीक है, तो जिया भी तैयार है और हमारा बाबू को भी तैयार किया जा रहा है, जल्दी से उसको पैंट पहना दो, बाकी टी शर्ट तो पहना ही हुआ है, नहा चुका ही है। ईश्वर से प्रार्थना है, अपने हाथ से जो आप बिना मांगे संसार दिए उसकी रक्षा की जिम्मेवारी आपके चरण में समर्पित करते हैं, साथ में संपूर्ण विश्व के लिए, आगे सबको रखे पीछे सबको भी रखे। तो ठीक है जी, अब बारी है निकलने की, तो हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी फ्रिज बंद काम है आगे वाले दिला लेना।